ये इसका आइडल एयर कंट्रोल सेंसर है जो ख़राब हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मोनू सिंह कार टेक्नोलॉजी। तो एक गाड़ी है हुंडई सेंट्रोजिंग, और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, एक तो गाड़ी लेट स्टार्ट हो रही है और गाड़ी जैसे ही रेस छोड़ो बंद हो जाती है। ये इतनी लेट स्टार्ट है और गाड़ी रेस छोड़ते बंद हो जाती है, और आरपीएम जो है अप डाउन हो रहा है। और ये गाड़ी है हुंडई सेंट्रो जिंक। तो आज की वीडियो में हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी वाइब्रेशन है इंजन में, ट्रैफिक भी बंद। तो ये गाड़ी का जो बोनट है वो ओपन कर लिया है, और जो प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो स्टार्टिंग लेट की है, और गाड़ी में जैसे ही ट्रैफिक पे खड़े होते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाती है। जैसे ही आप रेस छोड़ोगे वो बंद हो जाएगी, या तो रेस एकदम सडनली हाई हो जाएगी। तो गाड़ी में जो प्रॉब्लम है एक्चुएटर सेंसर की है। तो आज की वीडियो में हम इस एक्चुएटर सेंसर को रिप्लेस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, तो गाड़ी में प्रॉब्लम है, एक तो गाड़ी काफ़ी लेट स्टार्ट होगी, और जैसे ही हम एक्सीटर छोड़ते हैं तो गाड़ी तुरंत बंद भी हो जाती है। तो ये पार्ट जो इसका एक्चुएटर सेंसर है, जो स्कैनिंग में एक्चुएटर सेंसर की नॉइज फंक्शन शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसका एक्चुएटर सेंसर रिप्लेस करने वाले हैं। कंफर्म हमने कंप्लीट गाड़ी की स्कैनिंग की, जो प्रॉब्लम दिखी गाड़ी में इसका एक्चुएटर सेंसर की देखें, तो ये जो एक्चुएटर सेंसर है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसका जो आइडल एयर कंट्रोल सेंसर है ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी बंद भी हो जाती है, स्टार्ट भी काफ़ी लेट होती है। तो उस पार्ट्स को हम करते हैं आज रिप्लेस। और ये गाड़ी है हुंडई सेंट्रो जिंक 2008-09 मॉडल है गाड़ी। आइडल एयर कंट्रोल सेंसर है जो इनलेट मैनिफोल्ड पर लगाया जाता है, और ये टोटल दो बोल्ट्स पे टाइट किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो ये टोटल दो बोल्ट्स पे टाइट किया जाता है इनलेट मैनिफोल्ड पर। और ये इसका आइडल एयर कंट्रोल सेंसर है, या एक्चुएटर सेंसर भी कहते हैं इसे। तो ये सेंसर हमने रिमूव कर लिया है इनलेट मैनिफोल्ड से, और जो प्रॉब्लम है वो इस सेंसर की है, एक्चुएटर सेंसर की। तो आज की वीडियो में हम इस सेंसर को रिप्लेस करने वाले हैं, और क्यों करने वाले हैं ये भी बताएंगे, और किस वजह से ये चेंज हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये इसका आइडल एयर कंट्रोल सेंसर है, या एक्चुएटर सेंसर है, जो आज की वीडियो में हम बदलने वाले हैं। तो हमने इसका ये पार्ट्स लेके आ चुके हैं, जो आज की वीडियो में हम इस पार्ट्स को रिप्लेस करेंगे, और क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे, और किस वजह से कर रहे हैं, और क्या दिक्कत है सेंसर में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो ये इस जगह से बिल्कुल क्रैक हो चुका है, मीन्स फट चुका है, जिसकी वजह से एक तो एयर यहाँ से लीक हो रही है, और ये सेंसर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इससे जो प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में, एक तो आरपीएम हमेशा इंक्रीज रहेगा या अप डाउन मारेगा। गाड़ी में जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम की है गाड़ी में, एक तो लॉन्ग स्टार्टिंग है गाड़ी में, जिसकी वजह से आज हम इस सेंसर को बदल रहे हैं। जो पुराना वाला है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है जिसकी, और ये इसकी गैस्केट है जो इसके ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब हम इस नए वाले सेंसर को इनलेट मैनिफोल्ड पर कंप्लीट फिट कर देंगे। उससे पहले एक बीच में गैस्केट लगाई जाती है, ताकि वो एयर लीक ना करें। जो पुरानी वाली गैस्केट थी वो हमने हटा दी है उस जगह से, उसे
पार्ट्स को उस जगह हमने क्लीन करके तब हमने नई गैस्केट लगा के अब हम इस सेंसर को कंप्लीट टाइट कर देंगे। और जो गाड़ी में दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कभी भी इस सेंसर को रिप्लेस करने से पहले कंप्लीट गाड़ी स्कैनिंग करवा लो, जिससे कि आपको कंफर्म पता रहे कि ये पार्ट्स कंप्लीट ख़राब है, तभी उस पार्ट्स को रिप्लेस करें। क्योंकि ये जो पार्ट्स होते हैं काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो इसकी फिटिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो ये इसका सीएनजी चेंज ओवर स्विच है, जिसकी मदद से हम गाड़ी को पेट्रोल या सीएनजी पर स्टार्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो अब जो गाड़ी है वो इजीली स्टार्ट हो रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और जो पहले गाड़ी में प्रॉब्लम थी, एक तो गाड़ी लॉन्ग सेल्फ में स्टार्ट होती थी, काफ़ी लॉन्ग स्टार्टिंग थी, तो वो प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो चुकी है। तो ये इसका आइडल एयर कंट्रोल सेंसर है जो हमने रिप्लेस किया। जो इसका पुराना सेंसर था आपने देखा था, वो बिल्कुल क्रैक हो चुका था, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था। तो अब जो प्रॉब्लम है इसकी वो सॉल्व हो चुकी है। तो गाड़ी अब इजीली स्टार्ट हो रखी है और स्टार्ट भी हो जाएगी अब। तो ये गाड़ी है हुंडई सेंट्रो जिंग। और अब हम आपको इसका एक्सीलेटर चेक करवाते हैं। जैसे ही हम इसका एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो गाड़ी तुरंत बंद हो जाती थी, तो अब वो दिक्कत नहीं आएगी। जो आइडल एयर कंट्रोल सिस्टम है वो कम्प्लीट वर्क कर रहा है, तो अब गाड़ी बंद नहीं होगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो ये थी हुंडई सेंट्रो जिंग। और एक इसमें काफ़ी साउंड आ रहा है, इसका अल्टरनेटर या इसका पावर स्टीयरिंग पंप, इनमें से कोई एक काम ढंग से कर तो रहा है, लेकिन इसकी जो बैरिंग ही होती है तो वो ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से एक साउंड आ रहा है अजीब सा। तो ये थी हुंडई सेंट्रो जिंग। दोबारे आपको चेक करवाते हैं। तो गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, गाड़ी स्टार्ट भी प्रॉपर हो रही है। तो अब जो प्रॉब्लम थी, पहले गाड़ी एक तो लॉन्ग सेल्फ में स्टार्ट होती थी, तो अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कभी आरपीएम इंक्रीज़ हो जाता था, कभी डिक्रीज़ हो जाता था, गाड़ी बंद हो जाती थी। तो अब गाड़ी में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और गाड़ी दोनों पे प्रॉपर स्टार्ट है, तो सीएनजी हो या पेट्रोल, तो गाड़ी दोनों पे प्रॉपर स्टार्ट है। तो कभी भी ऐसे पार्ट्स रिप्लेस करने से पहले कंप्लीट गाड़ी को स्कैन करवाएं, ताकि पता चल जाए वही पार्ट्स ख़राब हैं। तो हम भी पहले गाड़ी कंप्लीट स्कैन करते हैं, तभी उस पार्ट्स को हम रिप्लेस करते हैं। तो ये थी हुंडई सेंट्रो जिंग। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।